हुड्डा ने हजू पण जीतनी उम्मीद छे। भूपेंद्र हुड्डा हजू पण मेजिक नी राह मां छे। भूपेंद्र हुड्डा नुं निवेदन कांग्रेस नी सरकार बनशे। घणी बधी बैठको अमे जीती रह्या छीए। हुड्डाए इलेक्शन कमीशन पर मोटो आक्षेप कर्यो छे। इलेक्शन कमीशन काउंटिंग ना आंकड़ा अपडेट नथी करी रह्या। तो कांग्रेस ना भूपेंद्र हुड्डा हजू पण जीतनी आशा व्यक्त करी रह्या छे। कह्युं के कांग्रेस नी सरकार बनशे, घणी बधी बैठको पर अमे जीती रह्या छीए। साथे ज इलेक्शन कमीशन पर मोटा आरोप लगाव्या छे के इलेक्शन कमीशन आंकड़ा जाहेर नथी करी रह्युं। तो जे रीते भाजप बहुमतीथी आगळ वधी रह्युं छे अने कांग्रेस सतत इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगावी रह्युं छे। कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है, डेटा अपडेट नहीं कर रहा है। बहुत सारी सीटें हैं जो हम जीत चुके हैं वो अपडेट नहीं की, जैसे चट्ठा साहब है, शैली है, रामकरण है, अशोक अरोड़ा है, ऐसे कई सीटें हैं जो हमारे खबर मिली है। जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, गज्जे में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे रोहतक में हम जीतने जा रहे हैं। तो ये अपडेट नहीं हो रहा है बेटा इलेक्शन कमीशन में, और कई जगह काउंटिंग रिपोर्ट की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट्स हमसे साथियों से निवेदन है कि आप में डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। तो चूंटणी पंच आंकड़ा अपडेट न करतो होवानो भूपेंद्र हुड्डाए आरोप लगाव्यो छे। कांग्रेसना भूपेंद्र हुड्डाने हजू पण जीतनी आशा छे। जहाँ एक तरफ भाजप बहुमतीथी आगळ वधी रह्यु छे, 9:30 बाद रुझानमां पलटो आव्यो अने भाजप 45 पण वधारे बैठक पर आगळ चाली रह्यु छे। एवुं पहेलीवार थवा जई रह्यु छे कि हरियाणामां कोई पक्ष सतत त्रीजी वार पोतानी सरकार बनावा माटे आगळ वधी रह्यो छे। जो भाजपनी सरकार बनी जशे तो हेट्रिक